फालतू में मिसबिहेविंग ब्रो। मैंने तुझे हिट किया था कि तूने मुझे हिट किया था पहले आके, एंड उसके बाद सॉरी बोलने के बावजूद व्हाट यू आर सेइंग? स्टॉप, इट वाज अ गेम। Look at even I got hurt. Look at it. Sivan, I got hurt. I know every one of us got hurt. What you saying? That line. बस यही था कि भाई हार के बाद ये बौखला चुके थे, इनका दिमाग अपनी जगह से हिल गया था और हम तो खुश थे, तो हम आराम से जा रहे थे विला की तरफ। जैसे हम विला एंटर कर रहे थे, द फीलिंग वॉज जस्ट सो अमेजिंग। ऐसा लग रहा था फुल पार्टी करने वाले आज तो हम, आज तो हम जीत के आए हैं। Boys did it! Boys did it! Boys did it! Not girls! Boys did it! मैंने क्या कहा था, लड़कियों के बलबूते में कब तक जीतोगे भाई? प्योरली लड़कियों के बलबूते में जीतते हो ये। जब लड़कों की बारी आती है तो खुश। हम लोग विला के अंदर बहुत खुश थे, मतलब इतनी खुशी ना अपनी जीत की नहीं हो रही थी जितनी उनकी शक्लें देख के हो रही थी कि हाय। बैठ गए ना चुप करके। आज का डायलॉग तो ये होना चाहिए, तीन की है यारी पर आज ग्यारी सब पे भारी। धूमधाम। एक मिनट, अपन चैलेंज हारे ना, वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंज। या सिंपल बात है, गार्ड करने की वाली नहीं है। शी हिटिंग माय फेस। अब तुमने बोल दिया, शी सेड सॉरी। क्या करूं मैं, इट हैपेंस इन द गेम, माय नेल्स आर ब्रोक। नो 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 नो, उस टाइम सॉरी बोलती बात अलग होती। दैट टाइम शी वाज, अरे दैट टाइम आई नो, वी ऑल नो हाउ शी इज। मुझे बार बार जय और सब लोग बोल रहे थे कि वो सॉरी बोल रही है, अरे ठीक है चल, बट मुझे ऐसा हो रहा था कि इतनी इजीली मैं कैसे बोल दूं कि कोई मेरे मुंह पे तमाचा मारे और आके मुझे सॉरी बोल दे और मैं मान जाऊं। All of us were so happy. This was the best day in our Splitsvilla because our whole team fought their whole team and we won. And that's what matters in this game, winning. अगले दिन की शुरुआत होती है और मैं बहुत खुश थी क्योंकि यू नो हमारी पूरी टीम सेफ थी। और इतने में स्क्रोल आता है और हम भाग के जाते हैं क्योंकि यू नो अब हम जीते हैं तो खुशखबरी ही होगी। एंड मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वो खुशखबरी क्या होगी। गुड मॉर्निंग स्प्लिट्स विलेंस, इट्स टाइम टू मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्गर एंड गेट टू नो ईच अदर बेटर। कपल गोल्स की विनिंग टीम को मौका मिलता है टू गो ऑन अ रोमांटिक कपल डेट। ये पहला चांस होगा जब मैं और ध्रुव साथ में डेट पर जाएंगे, तो मेरे दिल में तो लड्डू पता नहीं क्या क्या फूट रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि इससे पहले गैरी और मुझे डेट पे जाने का एक चांस मिला था पर वो आए ही नहीं थे, पर आज मुझे चांस मिला था फिर से उनके साथ डेट पे जाने का एंड देयर वाज नो वे आई वाज गोना मिस इट। और हम लोग फटाफट से तैयार होने गए। आई स्ट्रेटन माई हेयर विद फिलिप्स थर्मो प्रोटेक्ट हेयर स्ट्रेटनर। तू ले सोनिए एंजल वर्गा तेरा है फेस सोनिए। तो जब हम अपनी डेट पे पहुंचते हैं, सपना काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अपने बाल मैंने स्ट्रेट करा है।
कुछ खाना है, कुछ पीना है? Yeah, I won't mind actually, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं हमेशा भूखी रहती हूँ. उसे पता है कि मैं किस लेवल की भूखी हूँ, तो वो कहता सुन पहले अपना पेट भर ले, नहीं तो फिर बाद में मेरा दिमाग खाएगी. Oh my God, don't tell me to do this. दिल को क्या हो रहा है, जाने क्यों खो रहा है. अब मानोगे नहीं, मेरे जैसा बंदा इतना फन लविंग, इतना रोमांटिक हो गया था. दिल को तुझ पे प्यार, एक ग्लास से हमने जूस दो स्ट्रॉ डाल के पिया, मतलब यार कपल गोल्स वाली फील आ रही थी मेरे को. लेट्स गो फॉर अ स्विम. या देख, अब पता नहीं मौका मिले ना मिले, आई रियली डोंट वांट टू मिस दिस चांस अगेन. नो, डोंट से लाइक तू जा रहा है कहीं पे भी, ठीक है? मैं तुझे निकलने भी नहीं दूंगी. व्हाट इफ? व्हाट इफ क्या? मैं निकल गया तो चलेगी साथ में? मैं साथ में चलूंगा. तो तू मेरे पीछे हारने को तैयार है मतलब? नहीं, मुझे लगता है वो हार नहीं होगी. That won't be a हार. अच्छा. हाँ, because मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी ना. अच्छा. तो एक चीज तो श्योर थी कि हम लोग अगर स्पिट्सविला से निकल भी जाते हैं ना, तो हम सैड सैड नहीं जाएंगे. We'll be very happy, क्योंकि हमें जो ट्रॉफी चाहिए थी वो हमें मिल चुकी थी. मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी. सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना. तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना. तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी. Now Dhruv, I guess there is no सपना. सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना. किसी और के साथ मुझे मेरा नाम जोड़ना नहीं है, और ध्रुव से बेहतर कोई मुझे लगता नहीं है. तो एक ऐसा नाम है ध्रुव सपना, ध्रुवना, जो कभी हटना नहीं चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ओह वाओ, यू आर वेयरिंग येलो आज. यस, आई वाज लाइक आई शुड जस्ट स्विच इट अप अ बिट. कि मैं बहुत ज्यादा पिंक पहन रही थी. पिंक पहन के ना, लाइक इट्स लुकिंग सो गुड ऑन यू. थैंक्स, वी आर ट्विनिंग आल्सो टुडे. ओह वाओ, यू आर ट्विनिंग इन सम वे, दैट्स गुड. डोंट कॉपी मी. अच्छा ओके, अगर मैं यूँ कहूँ, अभी आपको क्या लग रहा है अभी हमारे इस कनेक्शन के बारे में? I think it's going really well. It's going good. Yeah, enough. And I really like you. Oh shit, did I just say that? क्या? I just said that I really like you. क्या ये तुम है पता? Honestly, I really like him. That smile, that eyes, मन कर रहा है मैं डूब जाऊँ. It was just so much fun being with him, and I just felt like I always want him around me. So I think it was a very cute date, and I really like him. हम दोनों डेट लोकेशन पे पहुंचे, और वो एक बोट हाउस डेट थी. बहुत ही बढ़िया सजा हुआ था, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक फ्रेश कनेक्शन स्टार्ट करना था और सारी पुरानी बातें असाइड रखनी थी. तो कैसा लग रहा है आपको? तुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है. इतना बढ़िया अच्छा व्यू है यहाँ पे, आप हो. अच्छा. और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है. सो पहले तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आई एम रियली सॉरी कि मुझे आपको जो भी सारी चीज़ें मैंने करी मुझे नहीं करनी चाहिए थी. And I feel I have made a big mistake. इसलिए I wanna say कि I'm sorry. It's fine. Thank you. Or I would love if you reconnect again. Yeah, I'd like that too. He was very sweet, और मैं तो इतनी ज़्यादा खुश थी उस वक्त, because this is all I wanted. चल, let's just play a game. Okay. I'm gonna tell you a word, और तेरे दिमाग में पहला वो आया, I. पहली चीज आई उसे सुन के, यू गोना आंसर दैट. ओके, ठीक है. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद फैमिली. प्यार. प्यार. दोस्त. दोस्त. लाइफ. फेवरेट कलर. ब्लैक. चलो कुछ तो मैचिंग है.
नहीं वो मुझे पता था कि तेरा ब्लैक है मेरा तो ब्लैक एंड पिंक यस आई नो यू मैं सॉरी एक साइन बता रुक जा लियो परफेक्ट तू भी पूछना कुछ अच्छा मैं पूछूं हां ठीक है स्पेसुला प्यार जीतना इंपॉर्टेंट दोस्त निकी कनेक्शन यू ओह दैट इज नाइस वी लाइक टॉकिंग वाइबिंग Finally things are falling into place and I was very happy और मैं खुश थी कि वो भी खुश थे और मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था उस पॉइंट पे It was a magical day and the only thing more beautiful than this date was my date Kat Kat was looking so beautiful, so beautiful. I was feeling so lucky. I felt like I'm the luckiest man on the planet. How do you like it? Very nice. My setup. थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज अ चांस फॉर वी जो भी डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं सो ओके देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू क्या देयर आर फ्यू थिंग्स दैट मुझे नहीं पसंद है जो तुम मेरा बिल्कुल सुनते नहीं हो कल भी मैंने कहा था कि ट्रेवॉन को पिक करो एंड यू सेड सैम बट यू हैव टू ओह गॉड जीसस ओके बट यू हैव टू लाइक लिसन टू मी You never listen to me, and it annoys me. I always listen to you. No. Yes, I do. When is the always tell me? Kat was a little mad at me, because everyone keeps telling her how Kevin is the one making all the plans, and you're just listening to him, and you shouldn't do that. And I don't know why everyone thinks that I'm the one making all the plans. I always listen. Okay, always. Job listen, up. But you do you. Yeah. I don't always do me. You do. We make it work. I compromise every time. That's the thing. I'm sorry. Yeah. Sorry now. Maaf karo, please. So मुझे sorry कहा and he's like नहीं मैं तुम्हारा सुनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा I was like चलो ठीक है कोई नहीं माफ कर दीजिए And I'm so glad she brought all that up because if we wouldn't have talked about it, it would have never gotten solved. After all, I really, really love this girl and I'd do anything to keep her happy. Tell me things that you like about me. I like that you're confident. Mm-hmm. Are both confident too. Or jo challenge hua tha na, app ka, everyone had to get an app. You didn't get a single one. There is a reason for that's that. That's it. क्योंकि नहीं दैट्स नॉट द रीजन बट क्योंकि सबको पता है कि आप थोड़ा सा अलग हो यू आर वेरी डिफरेंट देन एवरीबॉडी एल्स बातों में शाम हुई रातें आई थिंक यू आर रियली प्रीटी यू आर वेरी ब्यूटीफुल थैंक्स यू आर वेरी स्वीट यू आर वेरी रियल जो बोलते हो वही करते हो एंड अगर तुम सुनोगे तो और ज्यादा करोगे टू बी विद केविन And to talk about so many things, it was just amazing. Shayari bata. Shayari. Roses are red. Yeah. Violets are blue. Last night, I think I fell for you. You're the most realist couple in Splitsvilla, and that's what makes our bond even better. We had so much fun and that connection हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा है and we felt so good to be with each other. ओ मुझ में तू हो भी जा शामिल आज जिद कर रहा है दिल. Overall, this date was amazing and getting out of this date with Kat made our bond a lot stronger. Her smile made my day. ਉਸ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜਦੀ ਔਰ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਣੀ ਖੜੀ ਸਿਓ ਪੀਉ ਤੇ ਮਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਕੀਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜੀ
और हम यही सोचते हुए कि आज क्या एक्साइटिंग चैलेंज होगा, ये सोचते हुए हम अपनी अगली चैलेंज लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। हुबहू है तुम सा दिल ये हुबहू, एक हम दोनों हुबहू। This is MTV Splitsvilla 13, co-powered by Philips Hair Care, Manforce, Denver Deodorants, and On Premium Innerwear. This is your golden opportunity challenge. कि आप Oracle के सामने जाएं। अगर आप Oracle के सामने जाएंगे तो क्या बन सकते हैं? Ideal match. So obviously, Kat and Kevin, you don't have to perform today. You're already an ideal match. यहाँ पर कल एक चैलेंज हुआ था, जिसमें सपना आप जीते। And also because you're in the golden villa, उसकी वजह से आज आपको एक एडवांटेज मिल रहा है अभी। आपका जो हार्ड वर्क था, उसकी वजह से आज आपको सक्सेस मिल रही है। The couple that you're going to go against is either these two or one of these three couples. Because ये लोग हारे थे, तो एडवांटेज से ज़्यादा जो भी हारे हुए कपल्स में से परफॉर्म करेगा, उनके पास डिसएडवांटेज होगा। So I'm gonna choose from the losing team only. किसको चूज कर रहे हो आप? We're gonna choose Trev and Arushi. मैंने कहा कि त्रिविंदर और आरुषि तो वहीं पर है, तो मैं क्यों ना अपने ही दोस्तों के साथ परफॉर्म करूं। अगर जीतते भी हैं तो हमारे में से ही किसी को जीत मिलनी चाहिए, ना कि गैरों में से। So Sapna and Dhruv, you are going to be going against Trev and Arushi. And Gary and Avantika, you will go against Sam and Nikki. You guys excited? Yes, sir. Scrabble खेला कभी? Yeah. या कोई भी ऐसा game खेला जिसमें एक word बनाना होता है? Yes. Like hangman. आपको सिर्फ words बनाने हैं और सिर्फ चार words बनाने हैं. Words शुरू भी आपके favorite word के letters से हो रहे हैं. The word is love, L-O-V-E. उसमें चार words बनेंगे. एक L से बनेगा, एक O से बनेगा, एक V से बनेगा और एक E से बनेगा. शुरू में वर्ड के लेटर्स आपको पाने हैं। कुछ लेटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं गैप्स के साथ, बाकी के लेटर्स आपको पूरे चैलेंज में पाने हैं और अंत में आके उनको लगाना है। पहले दो कपल्स जाएंगे अगेंस्ट ईच अदर, फिर बाकी के दो जाएंगे। पहले स्टेज में लड़कियां होंगी फिटनेस इंस्ट्रक्टर और लड़कों को दी जाएगी एक टी शर्ट जिसमें वो करेंगे एक्सरसाइजेस। My favorite part, the boys have to get so sweaty. उस टी-शर्ट पे एक कोड है। जब तक आप उपसीना नहीं आएगा, तब तक वो कोड आपको दिखेगा नहीं। And boys, you will have to work really hard to get all nice and sweaty to get that code. उसे आपको आपके सामने रखा हुआ एक ट्रेजर चेस्ट खोलना है। जैसे ही आप उसको खोलोगे, उसके अंदर आपको एक पाउच दिखेगा। पाउच पे एक लेटर लिखा होगा। इट कुड बी इधर एल ओ वी और ई। जो भी उस पे लेटर लिखा है पाउच पर, इसका मतलब कि वो लेटर्स उस वर्ड के लिए हैं। देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज। दिस इज अ फन स्टेज। इस स्टेज पर लड़कियां बैठी होंगी लड़कों के कंधे पे और आपको और लेटर्स ढूंढने। भाई मेरे पे थोड़ा रैम कर लो, ऊपर से तुमने सपना को और बिठा दिया मेरे ऊपर। सीधा बता दो यार, मार दो, वैसी ऐसे मत करो मेरे साथ। लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है कि लड़कों के आंख के ऊपर एक पट्टी बंधी होगी, दे विल बी ब्लाइंडफोल्डेड। लड़का और जो लड़की है वो नॉर्मल चीजों में बात नहीं कर सकते एक दूसरे से। यू हैव टू हैव योर ओन कोड वर्ड्स। बाबू, बे, बू, लॉल, पुची पुची, लुची। उसके बाद अब अगली स्टेज पे आएंगी, जहां पर आप लड़कों को इन दोनों बोर्ड्स के सामने लाके खड़ी कर देंगे कि जब लड़के ये वॉल पर लेटर्स डाल रहे होंगे इन द वर्ड्स, आप उस वॉल के पीछे होंगी एंड टू डायरेक्ट द बॉयज यू विल बी क्लाइंबिंग ऑन द रोप एंड टेलिंग देम कि ये लेटर उस पे रख, ये वाला लेटर उधर रख, इसको घुमा, इसको पीछे रख। ये ठीक है ना? नहीं, राइट। द बॉयज आर स्टिल ब्लाइंडफोल्डेड। If you put in a lot of hard work in this challenge, of course you'll be successful. Excited? Yes, sir. Yes, sir. Ready? Yes, sir. Yes, sir. इस challenge का नाम है Love,
letters. Brought to you by Denver Deodorant, the scent of my success. After all the confusion and all of that stuff जो हमारे बीच में हो, वो हमारा पहला चैलेंज था जो हम एज अ कनेक्शन परफॉर्म करने वाले थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि हम ये जीतते हैं एंड वी डिफीट अवंतिका एंड गैरी, बिकॉज ऑब्वियसली समर्थ और मेरा बॉन्ड इज वे 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 स्ट्रॉन्गर देन दैट. ओके, आपके कोड वर्ड्स क्या है सैम एंड निकी? फॉर गोइंग फॉरवर्ड इट्स ईक्स. व्हाट फॉरवर्ड इज ईक्स? ईक्स. फॉर गोइंग पीछे इट्स यू. फॉर गोइंग डाउन इट्स क्यूटी एंड फॉर गोइंग अप इट्स बेबी. निकिता एंड सामर्थ्य के कोड वर्ड्स वर वेरी ऑब्वियस. दैट वाज निकिता'स फेवरेट. यू ईक्स ईक्स. सर हमने फ्रूट्स के नाम रखे हैं, तो आगे जाने के लिए आम है, बैठने के लिए बनाना है और सर घूमने के लिए वाटरमेलन है हमारे पास. हाउ रोमांटिक. फ्रूट्स के नाम. हाँ बहू, सिर्फ करेला ही नहीं, कमल ककड़ी भी लाया हूँ तेरे लिए, कच्चे आम भी लाया हूँ, चटनी बनाऊंगा. आई मीन आम, केला, वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल. सर दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है. ओके गाइस, इस चैलेंज में अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे. आर यू गाइस रेडी? यस. 3. गुड लक गाइस. 2. 1. स्टार्ट. हैव अ रॉकिंग वर्कआउट विद अ देसी बीट. Come on, Gary. Chalo. Come on, Gary. Come on. Yeah. Full power. 24 hours. Let's do it. High knees. Switch. High knees. So, पहले मैं बनी थी जिम ट्रेनर who has never even been to the gym honestly in real life, which is very weird. Faster. It was very funny to watch them. मुझे लगता है निकिता ने कभी वर्कआउट किया नहीं है. जिस तरीके से वो सिखा रही थी कि ये करो, literally she was just jumping and doing any random shit. Gary burpee mark. Squat jump. यहाँ पे high knees, वहाँ पे squat jump. Jumping jacks. At the same time. लगता है ये instructor same course करके आए हैं. 20. मैंने बहुत सारे push-ups करने start किए. वहाँ पे मैं कूदने लगा, squats करने लगा, burpees करने लगा. तो आज एक ऐसी हालत हमारी हो गई थी कि आज हम बाहर रहे थे प्यार के लिए पसीना. बढ़िया. I kept checking the fact कि कहीं कोड दिख तो नहीं रहा है उसकी शर्ट ऊपर कर करके, but the code was not visible. जिसके बाद मुझे समझ में आया कि he has to sweat a lot. Yes. वहाँ पे जब यार इतनी एक्सरसाइज कर रहे तब भी स्वेट नहीं करते, मैं फुल टाइम ये सोचती कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों ये स्वेट नहीं कर पा रहे. कार के दिखा यार एक बार. It's 351. We saw कि there was a code. That was 351. हमने वो कोड जल्दी से लगाया लॉक पे. 0 10 1 2. जैसे ही मैंने उनकी टी शर्ट खोली वहाँ पे नंबर लिखा था 712 और जैसे ही हमें नंबर मिला हम फटाफट वो अनलॉक करने गए. Help me open it. Guys, guys, keep the middle one same, change the other one. Good job. Yes. ठीक है, ready? पाउच बाहर निकाल लिया. सेकेंड राउंड में मैंने ब्लाइंड फोल्ड वो पहना. अवंतिका मेरे कंधे पे बैठी और वो गाइड करने लग गई, आगे बोलने लगी आम 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 आम. कम ऑन गैरी, यो फुल पावर. कम ऑन गैरी, कम ऑन गैरी. बहुत आज ईक्स. भाई पहले इतनी हालत खराब हो चुकी थी जो हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट था, अब ये वाला था कि उसको शोल्डर्स पे बिठा के हमें वो पूरा लेटर्स कलेक्ट करनी थी पिट में, तो इट वाज वेरी टैक्सिंग.
सेकंड फेज था हमारा, उसमें लगभग दोनों मतलब नेक टू नेक चल रहा था ब्रो, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि कौन जीतेगा, कौन आगे चल रहा है, कुछ भी, दोनों कपल बहुत अच्छा कर रहे थे। Whatever, if there is any connection or coordination, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। अवंतिका उसे काफ़ी अच्छे से गाइड कर रही थी और गैरी भी उसकी बात सुन रहा था, तो उन लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया समर्थ या निकिता से। जैसे ही हम लेटर्स कलेक्ट कर रहे थे, मैंने ये सेंस करा कि अवंतिका और गैरी हमसे काफ़ी आगे पहुँच गए, बट आई वॉज स्टिल कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कज slow and steady does really win the race. Done? जैसे ही मैंने रोप क्लाइंब करा और सबसे ऊपर पहुंची, तो फिर मैंने एक और बैग निकाला लेटर्स का, और वो बैग छोड़ने में वापस गैरी के पास गई। Good job. Good, Nikita, come on. Come on, Nikita. Nikita, use your legs. Use your legs. Yes, yes, just like that. और जब रस्सी पे चढ़ने की बात आई तो निकी पे तो मेरे को पूरा भरोसा था कि वो कर नहीं पाएगी। निकी, निकी, look at me. One person save me. हाथ से पकड़ ऊपर ऐसे। नॉट से पकड़, नॉट से, और नॉट पे ही पैर रख। ना पूल। I told you she can climb this. मिर्जापुर की हसीना, जे फॉर जरीना। जुबान से चलना होता ना तो वो पक्का सबसे पहले चलती थी, जैसे उसकी जुबान चलती है ना, उसके हाथ पर ऐसे चल नहीं पाते। गुड जॉब, गुड जॉब। नाउ यूज योर हैंड्स अगेन, यूज योर हैंड्स अगेन। निकी, यू कैन डू इट। निकी, पुल विद योर हैंड फर्स्ट। स्ट्रेटन योर हैंड, स्ट्रेटन, स्ट्रेटन, पुल इट। यस, नाउ कम डाउन, जंप डाउन, कम डाउन। निकी, जंप, निकी, जंप। इट्स ओके, इट्स ओके। निकिता को इतना परफॉर्म करते हुए देखकर गिव अप नहीं कर रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई कुड सी दैट, यू नो, वो पैशन जो था उस पे कि आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू विन दिस। कम ऑन निकी, स्टे काम, यू कैन डू इट। आई वाज स्टिल ट्राइंग टू बी प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड प्रीटी पॉजिटिव अबाउट द फैक्ट कि अभी भी हमारे चांसेस है, क्योंकि अवंतिका एंड गैरी ने अभी तक भी वर्ड्स नहीं फिगर करे थे या नहीं बनाए थे। ओह गॉड, आई एम फॉलिंग। मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी वहां पे होल्ड करने में लगी कि मैं गिर गई। इट्स ओके अवंतिका, यू कैन डू इट। कम ऑन अवंतिका, कम ऑन अवंतिका, निकी आराम से टेक इट। वो नीचे ढाप से नीचे गिरे आराम लग। आई एम नॉट श्योर अब निकी करेगी भी, वो बोलने वाली है मुझे नहीं करना है परफॉर्म। कमजोर हाथों में इतनी जान नहीं थी कि अपने वेट से ऊपर चढ़ पाए, तो सर ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, साइड पे जो डंडे हैं ना उन्हीं को पकड़ के चल लो आज, नहीं तो तुम ये चैलेंज परफॉर्म नहीं कर पाओगे, चैलेंज खत्म ही नहीं होगा, दिन की रात हो जाएगी, रात से अगला दिन आ जाएगा। okay, L and Y in your hand, हाँ, और ऊपर L O A T लिखा है, हाँ, तो just use your brain कि क्या हो सकता है वो? नहीं पता चल रहा, आप बताओ। मुझे नहीं पता चल रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। उसको ही गाइड करना था ना कि मेरे हाथ में लेटर है तो मैं कहाँ प्लेस करूँ, और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और कह रही थी कि तुझे मैंने लेटर बता तो दी, अब तू वर्ड बना ले। अरे मैं तो ब्लाइंड फोल्डेड हूँ ना भाई। वेट वेट वेट, एल दिमाग की बत्ती का उड़ गया फ्यूज, अंग्रेजी भाषा ने किया कन्फ्यूज। दीज आर थिंग्स दैट यू नीड इन अ रिलेशनशिप, लाइक कमिटमेंट, लॉयल्टी, लॉयल्टी। जल्दी बता कैसे, जल्दी बता, लॉयल्टी होता है। जैसे मैं फिगर कर रही थी सारे वर्ड्स, गैरी ने चला के पहला वर्ड बोल दिया, दैट वाज लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी। एंड उसके बाद इट वाज जस्ट इजी फॉर मी टू टेल समर्थ्या एंड टू इंस्ट्रक्ट हिम कि अभी लॉयल्टी बनाना है। पर उससे भी ऊपर, हां ऊपर, हां पाय लगा, लगा, नहीं नहीं पीछे नहीं, आगे, उल्टा कर, उल्टा कर लेटर, हां सीधा कर, एल लिखो, एल लिखो, हां ये एल है, हां अब आगे बोल।
अवंतिका अच्छे से बताओ उसे ढूंढ, वहाँ पे एल ओ वाई लिख। तो एल क्यों बोल रही है फिर? I'm sorry. ठीक है, एल ओ वाई ए ना? अवंतिका, अवंतिका स्पेलिंग पता नहीं है, लॉयल्टी है ना, लॉयल स्पेल लॉयल्टी। एल ओ वाई ए एल होता है, ये एल है ना? She doesn't even know the spelling, man. अब स्कूल चलो तुम। मैं यहाँ से चिल्ला रही, मैं बोल रही हूँ अवंतिका स्पेलिंग, एंड शी इज लाइक नहीं आता। आई एम लाइक लाइक शिट। अब स्कूल चलो। आई थिंक जो मुझे स्कूल चलो तुम का ऐप मिला था, दैट वाज ऐप्ट फॉर अवंतिका। पता नहीं क्या ही स्कूल में पढ़ाई करी है उसने। लॉयल्टी ओनली हैज वन वाई, एक वाई ऑलरेडी लगा दिया, दूसरा लेटर दिखा, उल्टा कर उल्टा कर। ये एल के लिए नहीं है, ये ओ के लिए होगा। बट ये लेटर्स मैंने एल से निकाले, क्यों नहीं होगा? स्पेल लॉयल्टी, स्पेल इट एल ओ वाई एल टी वाई। एल ओ वाई वाई प्लेस कर ऊपर। सॉरी 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 सॉरी। अरे सुन लो विदेशी ओमे, पूरा दिन इंग्लिश में चपर चपर करने के बावजूद हमारी जो छुई मुई है एक वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती आपको। टाई टाई फिश, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अरे इंग्लिश की टाई टाई फिश। ठीक है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा टर्न कर। टर्न करूं? हाँ। और नाउ ड्रैग इट टू द लेफ्ट। जाओ गैरी, जाओ गैरी। ओ अवंतिका एंड गैरी, डोंट वरी अबाउट द फर्स्ट वन, इट्स डन। दिस लेटर वाई जो है ना, वाई उल्टा है, वाई को सीधा करना है, वाई का जो द पोकी पार्ट, दैट्स यस परफेक्ट। प्लेस इट देयर, आगे राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, परफेक्ट। डन, फर्स्ट वर्ड इज डन, गुड जॉब। फर्स्ट राउंड दोनों का इक्वल था, दोनों ने साथ में लॉल्टी लॉल्टी लिख लिया था। कौन सा वर्ड है ये? ओ। उसके बाद सेकंड लेटर था मेरे पास ओ। जैसी मैंने पोटली खोली तो उसमें ओ में काफी सारे लेटर्स थे और वहां पे बोर्ड पे भी काफी सारे अल्फाबेट्स बने हुए थे, तो मैंने उसको सारे लेटर एक एक करके दिखाया। मैंने कहा ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है। फिर मैंने कहा भाई अब बता दो वर्ड कौन सा बनाऊं मैं इससे। ओ टी एम एस आई। यहाँ पे क्या क्या हमारे पास? टी पी सी आई आई। Now as I was figuring the second word ki kya tha, Avantika considering how dumb she is spelled out the second word. Aur thodi side mein place kar, perfect. O P T. Now show me the letters again. Optimism bro, O P T I S aayega pehle shayad. Aage bol. Tu bol na optimism ki. Har word main hi batau, loyalty main batau, optimism bhi main hi batau. Ab optimism to mujhe lag bhi nahi raha yaar ye. Don't fight me Gary, I'm not sure, so spell optimism for me. Avantika ko words to frame karne aaye nahi rahe the. और उसको वर्ड स्पेल करने भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था अंधा बन के अब मैं ही सब कैसे करूं यार। Sometimes I really feel bad for Gary. Too bad he doesn't have any other option. One minute left. यहाँ पे कोई टी है? हाँ टी है तेरे पास। ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है? बीच में है। हाँ हो सकता है। चल बता फिर। O P T I M I M के बाद I लगा। Optimist. Now last, जल्दी 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 सी, सीधा कर दे सीधा कर दे। Yes, perfect, 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 perfect. Yes. The second word that was optimistic बन गया था, and उसी same time पे अवंतिका और गैरी से तो word ही नहीं बन रहा था, उनको तो spelling ही नहीं आ रही थी। Five seconds. क्या गैरी? Four, three, two, one. Flip back, flip back. Up, time up. और मेरा टी गिरा और वहां पे निकिता और समर थे, जीत गए और हम हार गए। गुड जॉब बॉयज, गुड जॉब समर्था, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। आई वाज सो हैप्पी कि हम जीत गए थे, एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट विन टुगेदर, सो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं इस बात के लिए दुखी नहीं थी कि मैं ये चैलेंज हार गई थी, मैं इस बात के लिए दुखी थी कि गैरी ये चैलेंज हार गया है, और गैरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब मुझे पता था कि अब तो मुझ पर बहुत गुस्सा होने वाला है वो। मैं बस यही सोचती कि आज ही हम कनेक्ट हुए और आज ही हमारा कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। उसके बाद बारी आती है मेरे ध्रुव की, त्रविंदर और आरुषि की परफॉर्म करने की, तो मैंने कहा ध्रुव अब तो मैं तेरे को ले गई जाऊंगी गोल्डन विला, चाहे जो मर्जी हो जाए। त्रिविंदर और आरुषि से तो हम बहुत बेटर है, मतलब भयंकर बेटर है। सपना एंड ध्रुव रेडी? यस सर। आरुषि एंड ट्रेवन रेडी? यस। ऑलराइट, थ्री टू वन गो। कम ऑन यस गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन हाई नीज मोर हाई। मैं और ध्रुव
पटाक पटाक एक्सरसाइज करने शुरू कर देते हैं। मैं ध्रुव को बता रही हूँ, मतलब जिस बंदे के 6 abs हैं और यहाँ पे जो कमरा लेके चल रहा है वो उसको बता रही है कि भाई तू ये कर, तू ये कर। 1 2 3 4 5 है मेरे सिक्स पैक। ध्रुव इज सो फनी, व्हाट डज ही डू इन द जिम। ध्रुव के एक्सरसाइज देख के तो बहुत ही मजा आ रहा था, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जिंदगी में उसको कभी पसीना नहीं आ पाएगा ऐसा वर्कआउट करने के बाद। अकड़ बकड़ बा में बो पसीना में पूरे 100 निकला था का जो निकल के बाद। Want to check the t-shirt now? 271 Good job guys. ट्रेवन और आरुषि को पहले नंबर मिल जाता है और वो ट्रेजर बॉक्स खोलने लगते हैं। सो भाई उस टाइम थोड़ा सा डर जाता हूँ मैं, तो मैं जल्दी से बग अप करता हूँ और तेज तेज एक्सरसाइज करता हूँ और फिर जब मैं देखता हूँ तो हमारा भी नंबर पॉप अप हो जाता है। 3 5 1 3 5 मैंने अपनी पोटली उठाई और हम जाते हैं अपनी सबसे डिफिकल्ट होने वाली स्टेज पे जिसके अंदर ध्रुव ने मुझे उठाना था। डोंट फॉल। यस 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 यस, गुड जॉब। लव 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 फ्लावर फ्लावर शेक शेक शेक। लव के लिए हमें आगे जाना था, हेट के लिए हमें पीछे जाना था और शेक के लिए हमें नीचे जाना था। अर्थ 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 व्हाट। हमारे जो वर्ड्स जो हमने शॉर्टकट रखे थे वो थे डाउन का वाज अर्थ, अप का वाज स्काई, फ्रंट का वाज फ्लावर्स एंड बैक का वाज बेबी। नो नो नो, यू हैव टू गेट अप वन मोर टाइम, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। हिट हिट, कम ऑन ग्रोथ, इजी। हिट हिट, शेक नाउ शेक, कम ऑन ग्रोथ, इजी इजी इजी, कम ऑन ग्रोथ। ये जो सुबह शाम इसके 3-3 plate आइसक्रीम चल रही है ना सपना की, आज मेरे को पता लगा कि भाई इसकी डिसएडवांटेज मेरे को ही झेलनी पड़ी और कल से तू सिर्फ सैलेड खाएगी। बेबी 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 बेबी, अर्थ 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 अर्थ। We tried to do it as fast as we could and we actually did. नीचे डाउन स्क्वाट में करेगा तभी उठा पाएगा, तू स्क्वाट पोजीशन में जाएगा कि गिर जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था जेन्युइनली, ध्रुव बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लग रही थी कि वो तब भी गिव अप नहीं कर रहा था। Yes, one knee, bro. Just like that. Ramon and Arushi तो मजेदार, मुझे बहुत मजा आ रहा था उनको देखते हुए क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही जल्दी से अल्फाबेट्स उठाए और वो वहाँ पहुँचे। ध्रुव और सपना ने बहुत टाइम लिया, हम चाहते थे कि ध्रुव बहुत टाइम ले, बहुत उछलता है वो कि मैं परफॉर्मर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हो गए? It's the last time, man. Come on. Yes, good job. Good job. मैंने ई वाली पोटली भी निकाल ली फटाफट से एंड वो भी मैंने ट्रेवन को दे दी। मैं और ध्रुव बाहर निकलते हैं, मैं ध्रुव को वहां पे खड़ा करके आती हूँ, इतने में देखती हूँ कि आरुषि तो ऑलरेडी ऊपर चढ़ी हुई है। Okay. Slowly, slowly. Yes. Yes. Good, good job. Good, good job, hold, Sapna. Hold. Done. Jump. Go, 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 go. जब आरुषि और ट्रेवन हमसे लीड ले लेते हैं तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था सपना से कि कोई दिक्कत नहीं, लीड ले ली, बट पैनिक नहीं करना, जो गलती और कपल्स ने करी है हमको वो नहीं करनी। What are the words here? What are the letters here? L-A-G-T-R. L-A-G-T-R. What is your? E-U-H. I think it's, I know what it is. What, this, tell what me is now? This? This is, show, show. You. This side? You, this is you. जब वो रोप पे चढ़ी उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी पर उन्होंने फिर भी होल्ड करके रखा और वो ट्रेवन को बता रही थी ये लेटर्स है वो लेटर्स है, तो आरुषि डिड वेरी वेल। ओके, H, ट्रेवन H. What is this? I got it, this is G, H. तो ट्रेवन ने वहाँ पे बहुत ही स्मार्ट प्ले करा एंड ही एक्चुअली फिगर्ड कि लेटर्स को कैसे पकड़ना और कैसे रखना है एंड पहला वर्ड तो ट्रेवन ने बहुत ही आराम से गेस कर लिया था, इट वाज लाफ्टर।
एडवांटेज मिला था सपना को कि जो एक प्लैंक है वो हटा दिया जाएगा, और तो जब वो रोप पे चढ़ी वो प्लैंक हटा हुआ था एंड इट वॉज ईजी फॉर हर टू सी थ्रू एंड गाइड थ्रू. नाउ लिसन, हमारा पहला एल है, शो मी द लेटर्स. ओके, अपने एकदम सामने, ऊपर ऊपर ऊपर, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कीप इट कीप इट. नेक्स्ट लेटर. कि हमारे ओपोनेंट्स ध्रुव एंड सपना, दे वर सो डम, उनको शायद लाफ्टर भी समझ नहीं आया था, बट हमारा वर्ड देख के उन्होंने भी लाफ्टर बना दिया. नेक्स्ट लेटर. ओके, राइट राइट राइट, कीप इट, राइट राइट राइट, कीप इट, मूव इट राइट, मूव इट लेफ्ट, मूव इट लेफ्ट, मूव ऑन लेफ्ट, मूव द, यस सर, मूव इट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. जबकि आरुषि ऑलरेडी लीड में थी, तब भी मैंने और ध्रुव ने उससे पहले फर्स्ट वर्ड कंप्लीट कर लिया था. सपना, आपका एक वर्ड हो गया पहले वाला. लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यस 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 यस, यू डन, गुड जॉब, फर्स्ट वर्ड डन, फर्स्ट वर्ड इज डन. तो जो दूसरा लेटर था वो था ई, और मेरा और ट्रेवन का दोनों का था ई. 2 मिनट्स लेफ्ट. पाउच, सपना, पाउच वाला वर्ड भी समझ आ रहा है यार. ओपन द पाउच, यस, ओपन इट. Calm down. E से, it is. Sapna. रुक जा, मैं देख रही हूँ. Sapna. This is T. मुझे समझ नहीं आ रहा word क्या. Sapna figure out ही नहीं कर पा रही थी, जो हमने 40-50 second की lead ली थी, वो सारी waste हो गई. E-E-L-S-I-G. Sapna. Why? This is why. This is why. V. 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 This is V. V R. R. This is R. Everlasting, everlasting. Okay. Second word में मैंने जोर से चिल्ला दिया everlasting, जो मुझे नहीं करना चाहिए था. So सपना got to know it was everlasting. Okay, हाँ, right, उल्टा कर, right, move it, right, move it, उल्टा, flip, flip, उल्टा कर, flip, yes, right, yes, put on car, हाँ, नीचे जा, no, 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 not here, आगे, right, 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 put on car, नीचे, एकदम नीचे, right, 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 door का, no, 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 रख कर, रख कर, left, 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 yes, yes. उस टाइम पे आरुषि फटाफट वो भी कर रही थी, इधर मैं फटाफट कर रही थी, मेरी बैंड बज रही थी कि यार मैं ये चैलेंज हारना नहीं चाहती, ये मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है. 30 seconds. तो भाई साहब वो सपना इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी वर्ड को, भाई मेरी मम्मी को आवाज आ गई दिल्ली में कि भाई इसने कौन सा वर्ड यहाँ बोला है. सपना की आवाज इतनी लाउड है ना, मेरे कान फट दे, मुझे आरुषि का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था उसके ऊपर. It was such a close, like ऐसा लग रहा था कि ओ गॉड कभी भी कोई भी जीत सकते हैं, बिकॉज दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल था. सिर्फ 3 सेकेंड बाकी था एंड इट वॉज सच अ क्लोज फाइट बिटवीन देम. जब हमारे दोनों वर्ड्स बन गए थे एंड वी रियलाइज ध्रुव एंड सपना के वर्ड्स नहीं बने थे, सो आई वाज रियली हैप्पी दैट मी एंड ट्रेवन वन दैट चैलेंज. वी डिड गुड. मेरा गला भर चुका था, मेरी आंखें भर चुकी थी, जो भी मैंने सोचा था वो सब तो कहां ही होना था. मैं तो ध्रुव को भी सेफ नहीं कर पाई, इनफैक्ट खुद भी अनसेफ हो चुकी हूं. वेल डन गाइस. For the winning boys, we have a gift hamper from Denver Deodorant. All right, come and get them. I was so happy क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगले डोम सेशन में हम लोग सेफ हैं, तो डम तो नहीं होने वाले हैं. और दूसरे टीम में से मेरा दोस्त समर्थ और मेरी बेस्ट फ्रेंड निक्की जो जीत गए थे, it was a great feeling. जो विनिंग कपल से, congratulations, आज सेफ हो गए और मौका भी मिल सकता है ओरेकल के सामने जाने का.
And if you become an ideal match, you never have to stress. The other two couples, danger, khatra, not safe. Sorry. I was damn sure ki ek choti si galti jo aaj mere se ho gayi hai, uska result bahut bhari mujh pe pad sakta hai. Sabse badi baat uska result Dhruv pe pad sakta hai kyunki wo silver villa mein hai. Aur kahan hame oracle ke darshan karne the? यहाँ तो मुझे लग रहा है कि घर के दर्शन ना करने पड़ जाएं। जो लोग आज जीते थे समर्थ निकिता प्रवा और आरुषि, मुझे लग रहा था कि यार अब जो लोग निकलने वाले थे वही सेफ है, तो मुझे अपनी जर्नी इस स्प्लिट विला में अब थोड़ी सी धुंधली दिखाई देने लग रही थी और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये शायद मेरा आज आखिरी दिन होगा स्प्लिट विला में।